Avishek and you are watching my channel Arsenic. Aaj ka topic se Werner coordination theory. So without losing any time, let's start. Valency do tarah ke hote hain, ek primary valency aur dusre secondary valency. Central atom ka jo primary valency hai usko satisfy karta hai only anions, but central atom ka jo secondary valency hai usko satisfy kar sakta hai anions, cations or neutral atoms or neutral molecules which are called ligands. Ligands anionic bhi ho sakta hai, ligands cationic ho sakta hai aur neutral bhi ho sakta hai. Anionic ligands like Cn-, Cn-, OH-, Br-. Cationic ligands like NO+ or neutral ligands like CO, NH3 and H2O. Anions जो central atom का primary valency को satisfy करता है सिर्फ वो ionizable होता है, लेकिन अगर ये secondary valency को satisfy करता है तो ionizable नहीं होता. Secondary primary दोनों को satisfy करने से भी वो ionizable नहीं होता. यहाँ cobalt का जो complex compound है वहाँ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए डिसोसिएट नहीं करता. एक Cl- एनायन ये भी सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, ये भी नहीं डिसोसिएट करता. लेकिन बाहर का वाला जो दो Cl- आयन है वो कोबाल्ट का सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये दो Cl- एनायन डिसोसिएट हो जाता है. हर सेंट्रल एटम का एक फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी होता है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 या 6 होता है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है वो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा लिनियर, वो होता है Ag+ Au+ का. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर जो कि Ni, Ni2+, Cu2+, Pt2+, Zn2+ इस तरह के सेंट्रल एटम को होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर होता है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टेहेड्रल, सेंट्रल एटम हो जाएगा Fe2+, Fe3+, Co3+, Pt4+, Cr3+ और Mn2+ का. लिगेंड्स और सेंट्रल एटम दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं. इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करता. यहाँ एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो CONH3 5 Cl, इसको थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करता, लेकिन थर्ड ब्रैकेट के बाहर जो Cl- है इसको काउंटर आयन कहते हैं. यहाँ दो Cl- काउंटर आयन है. लेट्स अप्लाई दिस थ्योरी. इस कंपाउंड में अगर एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट दिया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने मोल AgCl वहाँ प्रेसिपिटेट पड़ेगा. यहाँ देखा जाता है कि 3 Cl- आयन जो कि काउंटर आयन के तरह है. इस 3 Cl- आयन ये CO का प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये डिसोसिएट करता है और 3 मोल्स AgCl फॉर्म होता है. दूसरे वाला कंपाउंड में ये जो Cl- है 2 Cl- है और 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट पड़ेगा. इसी तरह तीसरे कंपाउंड में 1 मोल और चौथे कंपाउंड में कोई भी Cl- आयंस नहीं है जो कि
the कोबाल्ट का ओनली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए कोई प्रेसिपिटेट यहाँ नहीं पड़ेगा। सेंट्रल एटम का प्राइमरी वैलेंसी हम लोग वार्नर थ्योरी से निर्णय कर सकते हैं। इस कंपाउंड में देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग नहीं जानते, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें जो पोटेशियम है, पोटेशियम प्लस वन करके तीन पोटेशियम है, आयरन को X पांच साइनाइड है, पांच साइनाइड को माइनस वन इंटू पांच और एक एच टू है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकल सकते हैं, जहां x इज इक्वल टू थ्री मिलेगा। तो यहां Fe का प्राइमरी वैलेंसी है प्लस टू। वर्नर थ्योरी से हम लोग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी निकल सकते हैं। ये कंपाउंड को देखिए, यहाँ निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है चार, जिसका चार से तीन कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करेगा NH3 ग्रुप। ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, और जो एक कोऑर्डिनेशन नंबर रह जाएगा उसको सेटिस्फाई करेगा एक Cl- आयन, ऐसे करेगा। और एक Cl- आयन रह जाएगा वो निकल का प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि निकल का जो चार कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें तीन NH3 और एक Cl सेटिस्फाई कर सकता है, और निकल का जो टू प्लस प्राइमरी वैलेंसी है वो दोनों क्लोरीन में सेटिस्फाई करेगा। तो ये थे वर्नर थ्योरी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।